जी स्टूडेंट्स, जो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर किया था उस लेक्चर के अंदर हमने लिक्विड और सॉलिड फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था। तो जो हमने स्टडी कर लिया था उसमें नंबर 1 हम बात करते हैं, जिसका हमने स्टडी किया था, हमने इसका किया था इंट्रोडक्शन। क्या किया था हमने इसका कर लिया था इंट्रोडक्शन। और इसके बाद हमने यहाँ पे जो स्टडी किया था नंबर 2, वो हमने स्टडी कर लिया था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या स्टडी कर लिया था? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने यहाँ पे स्टडी किया था। तो ये दो काम हमने कर लिए थे। नंबर 1 हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था और उसके बाद हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की थी। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की तरफ आते हैं, तो हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के साथ साथ जो आगे स्टडी किया था वो था टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हमने दूसरा काम किया था नंबर 2 पे, हमने काम कर लिया था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। और इसके बाद जो हमने तीसरी चीज कर ली थी वो हमने कर लिया था इसका टाइप्स की बात की थी। तो हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये एन यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे था टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप के बारे में भी स्टडी कर लिया था। और जो आज हम करने जा रहे हैं, आज हमने करना है बहुत ही आसान से चीज जो हमने किया था टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। तो हमने इसकी टाइप्स में इसकी जो जिक्र किया था, हमने एक कह दिया था कि आ सकता है डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। कौन सा आ सकता है? ये आ सकता है डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। इसके बाद नंबर 2 हमने किया था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। कौन सा किया था? दूसरा आ जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और नंबर 3 हमने किया था, यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और इसके बाद नंबर 4 जो हमारा डी था, यहाँ पे हमने कर लिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। और आगे तो लिखा गया वंडरवाल फोर्सेस दिया गया है, उसके बाद आयन डाइपोल फोर्सेस दिया गया है। तो ये बेसिकली मैंने वो यहाँ पे लिखे नहीं है, क्यों? क्योंकि आगे बुक ने डिस्कस इन्हीं को किया हुआ है, तो उन्हीं को ये करता हूँ। लेकिन अगेन टाइम जितना होगा हमारे पास, हम उसमें जितना भी कर सके डाइपोल डाइपोल फोर्स कर लेते हैं और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स कर लेते हैं। तो ये जो बाकी 2 हमारे रह जाएंगे, हम इंशाल्लाह इनको अपने नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। तो आज हम करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स की तरफ आते हैं। जी डाइपोल डाइपोल फोर्स की तरफ आने से पहले हम देख लेते हैं कि डाइपोल होता क्या है। ठीक है, की बात क्या होता है, डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल करने के लिए ना मैं लिख लेता हूं कि हमारे पास कंपाउंड बनता है दो तरह से। कंपाउंड हमने ये कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो जाएगी तो वो होगा नॉन पोलर,
और अगर अनइक्वल अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, पोलर होगा, ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। और उसके साथ मैंने एक्स एक्स और एक्स वाई के एग्जांपल भी दे के साथ मेंशन किया था कि यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे ये होगा, वो मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया था आपको। अब कंपाउंड हमें यहाँ पे चाहिए, से हमारे पास जो कंपाउंड है वो पोलर कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड है। से यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड पोलर में आ सकता है, मैं लिख लेता हूँ कि ये आ गया है HCl। क्या यहाँ पे आ गया है? HCl। अब इस कंपाउंड में क्या होता है, ये करते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस वजह से आएगा डिफरेंस, इस वजह से आएगा, मैं ये लिखा था कि यहाँ पे क्या है, एटम डिफरेंट है, एटम यहाँ पे कौन से हैं, डिफरेंट हैं। तो जब ऑटोमेटिकली सी बात है कि जब एटम डिफरेंट आ जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस आ जाएगा। क्या होगा कि अगर एटम्स डिफरेंट आ गए हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस आ जाएगा। ये आसान सी चीज है कि जब एटम डिफरेंट आएंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उस वक्त क्या होगा, अट्रैक्शन ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम अनइक्वल, क्या होगा, जब ईएन का डिफरेंस आ जाएगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, अनइक्वल आ जाएगी। इस पेयर के ऊपर, इस पेयर को आप आम हालात में सिंपल सा ये कर देते हो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो एटमों के दरमियान बॉन्डिंग हुआ है, हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि एटम्स का यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी, और उस तरीके में क्या हो जाएगा, वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल, वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल बिकम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल बिकम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद जो दूसरा एंड होगा वो क्या हो जाएगा, और अदर एंड कम, या आप करेंगे वन एंड बिकम of molecule become partial negative charge, क्या हो जाएगा, वन एंड इसका होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद दूसरा एंड कौन सा हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये देखें जरा, यहाँ पे मैंने दो चीजें मिक्स की है, मैंने यहाँ लिख दिया है कि मॉलिक्यूल का एक एंड बन गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और मॉलिक्यूल का दूसरा एंड बन गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दो ही एंड है, एक ये एंड है, एक ये एंड है, तो दोनों में से एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया और एक क्या, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन गया। तो ऐसे ऐसी कंडीशन को आप कह दोगे डाइपोल, क्या कहेगा, डाइपोल फॉर्मेशन हो चुकी है। ये क्या हो चुकी है, यहाँ पे हमने ये कर दिया कि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई है, डाइपोल की फॉर्मेशन हो गई है। अब डाइपोल की फॉर्मेशन जिस मॉलिक्यूल में होगी आप उसको नाम दे दोगे डाइपोल कंपाउंड, क्या उसको आप नाम दे दोगे, डाइपोल कंपाउंड, ये अब कंपाउंड कहलाएगा डाइपोल कंपाउंड। ये क्या कहलाएगा, इस कंपाउंड को आप नाम दे दोगे डाइपोल कंपाउंड का, सही होगी बात। तो ये मैंने एक डाइपोल आपको बना के दिखाया है। अब मैं HCl को बड़ा ले लेता हूं। अब HCl में H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, HCl की क्या है, ज्यादा है, तो डिफरेंस में क्या आ जाएगा कि Cl की और H के दरमियान शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगी।
Cl की ज्यादा होगी H की कम होगी, तो Cl के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ कि ये आ जाएगा H और उसके बाद ये आ गया Cl। अब Cl बन चुका है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H बन चुका है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये H बन गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे ख्याल में ये डिटेल हमें नहीं चाहिए होगी कि क्यों होता है। तो एक डाइपोल ये हमारे पास आ जाएगा और दूसरा डाइपोल ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ना, यहाँ पे अब कंसेप्ट आता है डाइपोल डाइपोल वाला। तो यहाँ पे ये आएगा कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल ये वाला डाइपोल है और दूसरा डाइपोल ये वाला है। तो ऐसा तरीकेकार जिसमें एक डाइपोल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऐसा तरीकेकार जिसमें एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दूसरे डाइपोल के पार्शियल नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन करता है, क्या काम करता है, अट्रैक्शन करता है, इस तरीकेकार को आप नाम दे दोगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये क्या लाएगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस लाएगा। लेकिन इसके अंदर ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है पोलर मॉलिक्यूल्स की, किसकी होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स की, ऑलवेज ये प्रॉपर्टी होगी पोलर मॉलिक्यूल्स की। मैंने यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल मेंशन कर दिया, क्यों, क्योंकि आगे डिफरेंस आएगा कि एक यहाँ पे पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा, यहाँ पे दोनों नॉन पोलर होंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर का स्पेशल केस आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, एसीएल में और एक एसीएल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरा एक एसीएल बन जाएगा पोलर, दूसरा बन जाएगा पोलर डाइपोलर बन जाएंगे और इनके अट्रैक्शन आ जाएगी, वो क्या कहलाएगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जी ये तो हमने एक एग्जांपल कर ली डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की, और इसके बाद हम एक दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि यही डाइपोल डाइपोल फोर, हमने ये एग्जांपल फर्स्ट की है, अब हम आते हैं जो एग्जांपल नंबर टू होगा। एग्जांपल नंबर टू में हम बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म की, इसका फार्मूला होता है CHCl3 का। अब क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल की मिरर अट्रैक्शन पाई जाएगी, क्या होगा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल होंगे अब उनके दरमियान अट्रैक्शन कैसे कैसे हो सकती है। तो मैंने ये कहा है कि क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल भी ये प्लेटी शो कर सकता है, ये प्रॉपर्टी शो कर सकता है। अब ये प्रॉपर्टी कैसे करेगा, उसके लिए मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका ड्रा कर देता हूँ। ये हम बात कर लेते हैं कि ये आ जाएगा कार्बन, इसके साथ ये पहला क्लोराइड आ जाएगा, दूसरा क्लोराइड इसका, तीसरा क्लोराइड और ये इसका पड़ा हुआ है एच। अब उसी तरह आप दूसरा यहाँ पे लोगे हाइड्रोजन आ जाएगा, आगे यहाँ पे कार्बन, ये इसका फर्स्ट क्लोराइड, ये सेकंड, उसके बाद ये आ जाएगा इसका थर्ड क्लोराइड आ जाएगा। तो अब होता क्या है कि अगर इसके मैं इधर लिख लेता हूँ, मैं इसके एक सीएल को इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आ जाएगा एच और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सीएल, तो इनके दरमियान ये होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इंटरनल अट्रैक्शन आ जाएगी। ये भी क्या होगी, एक एग्जांपल होगी डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। स्ट्रेंथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, डाइपोल डाइपोल फोर्स की किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपने ये कहना है मोर EN difference, क्या लिखा है, more EN difference। अगर more EN difference से क्या मतलब है कि वो एटम जो आपस में बॉन्ड कर रहे हैं, क्या है कि वो एटम जो आपस में बॉन्ड कर रहे हैं उनके बीच EN difference ज्यादा है, तो यहाँ पे आप ये कर दो कि stronger more will be more strong dipole। dipole क्या होगा, जो हमारा डाइपोल होगा वो क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी ई एन डिफरेंस एटम के मान ज्यादा आता जाएगी उतना डाइपोल क्या होता जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और उतना क्या होता जाएगा, इसकी वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ये भी क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ये भी क्या होती जाएगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स एक्शन की क्या होती जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। खैर इसके बाद जितनी अब इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं कंपाउंड के ऊपर,
जब आप बात करते हैं स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर या थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के ऊपर, उसके मेल्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, इवेपोरेशन आ जाएगा, वो सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है कंपाउंड का। कैसे कि अगर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, स्ट्रांग होगी, तो बीच भी क्या होंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसके क्या होंगे, हाई होंगे। क्या होंगे? उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उतनी वो ज्यादा हीट लेगा, उसके बाद वो क्या होगा, आगे बॉयल होगा। तो हम इसको कहते हैं कि आप ये जो मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इस जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है, इसकी बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की, वो डिपेंड करती है इस अट्रैक्शन के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? स्ट्रेंथ के ऊपर। कि अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, वेपोरेशन स्पीड क्या होगी, लो होगी, इस तरह से करके। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया है, हमने आज इसके बाद एक और छोटा सा लेक्चर करना है, वो आ जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। कौन सा करने लगे हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे हनी मॉर्निंग, क्योंकि ये दो हमने आज करने नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे रेस कर देता हूँ, और उसके बाद इसको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें स्क्रीन इन दोनों को देखेंगे। अब इसके बाद आ गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब इससे क्या मुराद है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस से क्या मुराद है? तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं, हमें कौन कौन से चाहिए, तो कंपाउंड एक यहाँ पे आ सकता है पोलर, दूसरा आ जाएगा नॉन पोलर। क्या आ जाएगा? एक यहाँ पे आ जाएगा पोलर, दूसरा आ जाएगा नॉन पोलर। मैंने जस्ट समझाना है और डेफिनेशन हम इसके अंदर से निकालेंगे, खुद एंड पे निकालेंगे। अब होता यहाँ पे क्या है कि जो नॉन पोलर, जो पोलर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन हुई होती है। जो पोलर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एक एंड पे ज्यादा होगा, एक एंड पे क्या होगा, कम होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहां पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जहाँ पे कम होगा वहां पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुई होती, इसलिए इसका एक लोग हमने लार्ज कर दिया, दूसरे का क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। ये होगा पोलर। और उसके बाद जब दूसरा जो नॉन पोलर आएगा, नॉन पोलर को हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इसका ये हम इधर लिख लेते हैं जी, ये इसका यहाँ पे आ जाएगा नॉन पोलर, जो कि है स्फेरिकल। नॉन पोलर क्या है? ये वाला स्फेरिकल है। एक हमारे पास पोलर है और एक यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर है। तो दोबारा फिर सुनना कि ये जो है इसको कर देंगे, जो स्फेरिकल है ये नॉन पोलर है, और ये वाला क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन हुई हुई है, इलेक्ट्रॉन फैला हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, वो क्या आ जाएगा, पोलर आ जाएगा। अब इसके ऊपर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का ऐसा कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि आपका कंपाउंड क्या है वो इक्वल, वो उसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इन दोनों को पास लेके आओगे ना, क्या काम करेंगे हम, इन दोनों को पास पास लेके आएंगे, तो क्या होगा कि इसका जो पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब अट्रैक्ट करेगा। क्या काम करेगा? अपनी जानब अट्रैक्ट करेगा। या आप इधर इसकी बात कर ले कि हम इसको ये कर देते हैं कि यहाँ पे नॉन पोलर बड़ा हुआ है, अब इन दोनों को पास ले जाएंगे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच पार्ट है, ये क्या, इसका इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है, ये क्या काम करेगा, इसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? कि यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो ये आप इन दोनों को पास ले जाएंगे, उसको रिपेल करके दूर कर देगा। ठीक होगी बात? जब इसको रिपेल करेगा, इसकी शेप में भी यू चेंज थोड़ा सा आ जाएगा। क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन भी दूर चले जाएंगे और उसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो यूं आ जाएगा। बात समझ आ गई? या जब हम इधर की बात कर लेते हैं, इसने इस इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने के बाद इसकी शेप में भी कैसा हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगी। ठीक होगी बात? तो जो हमारा नॉन पोलर है, क्या है, जो हमारा नॉन पोलर, वो आरजी तौर पर कन्वर्ट हो जाएगा इंटू पोलर। क्या हो जाएगा? वो आरजी तौर पे कन्वर्ट हो जाएगा पोलर में। सामने क्या था कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या है,
डाइपोल इंड्यूस्ड के एक इंड्यूस कहते हैं बनाना, पैदा करना, क्रिएट करना। तो एक डाइपोल ने क्या काम किया, डाइपोल को बनाया है। कैसे, वो मैंने आपको अट्रैक्शन अभी समझाई है। अट्रैक्शन करने के बाद उसने क्या काम किया, एक दूसरा डाइपोल बनाया है। और उसके बाद क्या होगा कि इनके वो तो पहले ही जो दूसरे वाला है उसको मैं यूं ब्लू के साथ ड्रा कर, जो परमानेंट डाइपोल है उसको मैं यूं ड्रा कर देता हूँ। आप ये कह दें कि ये तो परमानेंट पोलर है, ये क्या है, परमानेंट पोलर है, और ये दोनों क्या है, आरसी तौर पे पोलर में कन्वर्ट हो गए हैं। ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है। अब इनके दरमियान आ जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या आ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। तो ऐसी अट्रैक्शन को आप नाम दे दो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इसको नाम दे देंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने दो अट्रैक्शन दी है टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा हमने किया है वो हमने किया है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आगे दो रह गई है, वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और उसके बाद आगे आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें इसको डिटेल के साथ करेंगे।